स्टूडेंट टुडे वी विल रीड चैप्टर फाइव इंडिया एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन पार्ट वन इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कल एग्रीकल्चरल कंट्री भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भारत देश के सेवेंटी परसेंट लोग खेती बाड़ी के एक्टिविटीज़ में कामों में लगे हुए हैं द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देश की संपन्नता खेती के विकास पे निर्भर है देश की प्रगति संपन्नता कृषि उत्पादनों के विकास पे निर्भर होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया इंडिया में विभिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं क्रॉप्स ग्रोन आर यूजफुल आइदर फॉर फूड और और फॉर इंडस्ट्रीज फसल जो उगाए जाते हैं वो या तो खाने के लिए उपयोगी होते हैं या वो इंडस्ट्री के लिए उगाए जाते हैं एग्रीकल्चर आर प्रोग्रेस बाई लिप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद खेती का विकास बहुत तेजी से हुआ नाव इंडिया इज गाइडिंग द डेवलपिंग नेशंस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और अब भारत जो है वो डेवलपिंग नेशन को राष्ट्रों को विक, विकासशील राष्ट्रों को इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में गाइड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट गुजरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्टैंडर्ड सिक्स ना वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया प्यारे विद्यार्थियों आपने पहले ही गुजरात के खेती उद्योगों और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टैंडर्ड सिक्स में पढ़ा ही होगा इस अब हम भारत के एग्रीकल्चर कृषि के विषय में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया फर्स्ट नॉर्मल और अनइरीगेटेड एग्रीकल्चर भारत में कृषि पहला जो है वो नॉर्मल या अनइरीगेटेड एग्रीकल्चर है इसका मतलब कि जो खेती मानसून पर बरसात पे डिपेंड हो आश्रित हो बरसात के ऊपर वो नॉर्मल या अनइरीगेटेड कृषि कहलाती है ये फसल द क्रॉप्स आर एज फॉलो इसमें जो अन इरीगेटेड एग्रीकल्चर के जो फसल हैं प्रमुख फसल वो इस प्रकार से हैं सोरगम और मिलेट मिलेट आर ग्रोन इन अरिड रीजन्स बाजरा जो है वो सूखे प्रदेशों में उगाए जाते हैं कम पानी वाले प्रदेशों में उगाए जाते हैं सोरगम सोरगम इज़ ग्रोन इन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु सोरगम इन्स चारा जो है वो अधिकतर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात कर्नाटका मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं मिलेट मिलेट इज़ ग्रोन इन राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन in इंडिया मिलेट मीन्स बाजरा मिलेट इज मिलेट जो है अधिकतर राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं और राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है कॉन कॉन मीन्स मकई कॉर्न इज यूज एज ग्रेन एंड एज फॉर्डर फॉर एनिमल मकई का उपयोग अनाज या जानवरों को खिलाने के रूप में प्रयोग किया जाता है इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटका उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ये अधिकतर कर्नाटक उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है ग्राउंडनट मूंगफली। ग्राउंडनट रिक्वायर्स लेस रेन टू ग्रो गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश फिफ्टी परसेंट ऑफ द इडिबल ऑइल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मूंगफली के लिए मूंगफली की खेती के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है मूंगफली उगाने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है गुजरात जो है इस मूंगफली का भारत में गुजरात जो है इसका सबसे बड़े बड़ा उत्पादक है मूंगफली उगाने का सबसे बड़ा उत्पादक है सबसे अधिक मात्रा में गुजरात में मूंगफली उगाई जाती है इसके अलावा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मूंगफली उगाई जाती है और खाने के खाने योग्य तेल का फिफ्टी परसेंट जो है वो ग्राउंडनट्स से ही प्राप्त होता है ड्राई फार्मिंग डूरिंग द मानसून सीजन वाटर इज़ कलेक्टेड इन लो लाइंग एरियाज़ ड्राई फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन सच एरियाज़ वीट ग्रोन वेल इन सच एरियाज़ मानसून के सीज़न के दौरान बरसात के मौसम के दौरान जो पानी होता है वो लो ए, एरिया में इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे खेती की जाती है तो जो ड्राई फार्मिंग होता है वो इसी प्रकार से होता है और इसी प्रकार के एरिया में इकट्ठे पानी से होता है गेहूँ इसी प्रकार के गकटे हुए पानी से उगाया जाता है इरिगेश थर्ड इरिगेशन फार्मिंग सिंचाई के द्वारा खेती द लैंड वेर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरीगेशन एग्जाम्पल वेल्स लेक्स कैनाल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज इरीगेशन फार्मिंग इन इंडिया ऑन थर्टी परसेंट ऑफ लैंड इरीगेशन फार्मिंग इज कैरीड आउट और वो भूमि जिस पे इरिगेश सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है सिंचाई के ऐसे साधनों जैसे कि कुआल झील या नहर के माध्यम से जहाँ खेती की जाती है उसको इरिगेशन फार्मिंग कहते हैं सिंचाई विधि के द्वारा खेती करना और इंडिया के लगभग थर्टी परसेंट जमीनों पे भूमि पर इरिगेशन फार्मिंग के द्वारा ही खेती की जाती है सुगर केन गन्ना इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में दुनिया गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर सुगर केन गर्म और नमी वाला मौसम सुगर केन के लिए उपयुक्त होता है सुगर केन इज़ ग्रोन इन पंजाब गुजरात उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा एंड तमिलनाडु गन्ना जो है वो पंजाब गुजरात उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा और तमिलनाडु में उगाया जाता है कॉटन कॉटन क्रॉप टेक्स सिक्स टू एट मंथ्स टू गेट रेडी द स्काई शुड बी क्लियर वेन इट इज हार्वेस्टेड इट इज मेनली ग्रोन इन गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश हरियाणा एंड पंजाब कॉटन क्रॉप मीन्स कपास कपास का खे फसल तैयार होने में छः से आठ महीने का समय लगता है और जब वो तैयार होता है तो आसमान बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और कपास जो है अधिकतर गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश हरियाणा और पंजाब में उगाया जाता है पंजाब इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट इट इज़ कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ इंडिया बिसाइड्स पंजाब इट इज़ ग्रोन इन हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र एंड कर्नाटका भालिया व्हीट ऑफ भाल रीजन ऑफ गुजरात इज़ वेरी फेमस ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन शीड्स इट इज़ कॉल्ड कॉटन सीड। पंजाब जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है इसलिए उसको वीट भारत का वीट बाउल कहते हैं इसके अलावा पंजाब के अलावा हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी वीट उगाया जाता है भालिया वीट जो है वो भाल क्षेत्र का गुजरात का सबसे अधिक प्रसिद्ध है तेल जो कॉटन कौ, सीड से कपास के बीच से जो तेल निकाला जाता है उसको कॉटन सीड ऑयल कहते हैं जूट जूट क्रॉप टेक्स एट टू टेन मंथ्स टू गेट रेडी जूट के फसल को तैयार होने में आठ से दस महीना लगता है द हार्वेस्टेड स्टेम ऑफ द जूट फाइबर इज फर्स्ट टाइट टूगेदर एंड सोक्ड इन वाटर टू सॉफ्टन द फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्ट

और जब जूट का फाइबर पक जाता है तो इसके तने को कसकर बांध एक दूसरे से बांधा जाता है और पानी में उसको मुलायम होने के लिए भिगा दिया जाता है और फिर इसके जूट फाइबर के तने को लंबे तने को छीला जाता है और उसको साफ़ बहते हुए पानी से धोया जाता है फिर उसको लटका दिया जाता है या थ्रेस रूफ पर सूखने के लिए डाल दिया जाता है जूट अधिकतर वेस्ट बंगाल असम बिहार और उड़ीसा में उगाया जाता है पैडी पैडी मीन्स धान पेट इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ़ द इंडियंस इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार पंजाब असम, मध्य प्रदेश ओडिशा केरला तमिलनाडु एंड गुजरात धान जो है भारत का एक प्रमुख फसल है और ये अधिकतर भारतीयों का प्रमुख डाइट है और ये अधिकतर वेस्ट बंगाल बिहार पंजाब असम मध्य प्रदेश उड़ीसा केरला तमिलनाडु और गुजरात में उगाया जाता है प्लांटेशन व्हेन सर्टेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द गार्डन मेथड एंड टेक केयर ऑफ एज गार्डन इट इज़ कॉल्ड एज प्लांटेशन इट इंक्लूड्स टी कॉफ़ी फ्रूट ऑर्चर्ड्स वेजिटेबल कोकोनट पाम्स एक्सेट्रा जब फसलों को बगीचे के विधि से उगाया जाता है और उसका ध्यान बगीचों की तरह देखभाल बगीचे की तरह की जाती है तो उसको प्लांटेशन कहते हैं और इसमें टी चाय कॉफ़ी फलों के बागान वेजिटेबल और कोकोट कोकोनट पाम शामिल हैं टी टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स वेर द फॉरेस्ट आर क्लियर वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ द टी प्लांट इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन दैट इज़ वाई इट इज ग्रोन ऑन माउंटेन स्लोप्स असम प्रोड्यूस मैक्सिमम टी बिसाइड असम टी इज़ प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु चाय अधिकतर पहाड़ों के ढलान पे उगाया जाता है या फिर जहाँ जंगल साफ कर दिए गए हैं वहाँ पे अगर पानी चाय टी प्लांट के पास के टी प्लांट्स के जड़ों के पास अगर पानी इकट्ठा जा हो जाता है तो ये टी प्लांट के लिए टी प्लांटेशन के लिए बहुत हार्मफुल होता है बहुत हानिकारक होता है इसीलिए जो टी है वो पहाड़ के ढलानों पे उगाया जाता है जिससे सारा पानी बह जाए असम सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक है इसके अलावा असम के अलावा टी वेस्ट बंगाल करना केरला कर्नाटका और तमिलनाडु में भी उगाया जाता है इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड इंडिया जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है discovery of coffee plant kaldi daily took his goats for grazing he was fed up with the frolicking of goats one day he ate the fruit of the plant which is goats were eating and he also felt fresh thus he introduce coffee in the world coffee is produced in karnataka tamil nadu and kerala kaldi jo hai wo apne bakariyon ko charane ke liye le jata tha उनको बकरियों को बहुत बहुत कुछ प्लांट खाने के बाद बकरी बहुत उछल कूद करते थे एक बार काल्दी ने भी उस फ्रूट के उस प्लांट के फ्रूट को खा लिया और जो बकरियां खाती थी उसको खाने के बाद वो बहुत अपने आप को फ्रेश महसूस किया इस प्रकार दुनिया में दुनिया में कॉफ़ी का कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया को कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुआ कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत, सबसे उत्पादक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक तमिलनाडु और केरला में होता है इरिगेशन मानसून इन इंडिया इट्स इरेगुलर एंड अनसर्टेन भारत में बरसात अनियमित और अनिश्चित है उसका कोई टाइम नहीं है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सपीरियंस कैंटी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत से जो राज्य हैं भारत के वहाँ बहुत कम समय के लिए और कम बरसात होती है ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल मोर देन वन क्रॉप इज रेरी रेयरली ग्रोन ऑन एन एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड कम बरसात होने के कारण बहुत से जो ज़मीन है उनके बहुत से बड़े भाग पे म, कम बहुत मुश्किल से एक ही फसल उगाया उगाया जा सकता है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इरिगेशन इज़ नेसेसरी इसलिए खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई जो है वो बहुत जरूरी है थैंक यू चिल्ड्रेन